ये है वंडरशेफ का न्यूट्रीपोर्ट 6 लीटर कैपेसिटी का, और इसमें एक 3 लीटर कैपेसिटी भी आती है, ये 6 लीटर है जिसके बारे में अभी आपको बताना जा रही हूँ कि इसमें हम कैसे क्या चीज़ कुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी लिड है। इस लिड को जब हमने खोलना है तो राइट साइड क्लॉक वाइज हमने इसको ओपन करना है। ये ओपन हो गई, उसके बाद आप लिड को ऐसे अटैच कर दीजिए। इसके अंदर 6 लीटर की कैपेसिटी का एक पैन दिया हुआ है जिसमें आप 5 लीटर तक की कोई भी चीज़ डालकर, लिक्विड चीज़ डालकर इसको बना सकते हैं। ये कैपेसिटी इसकी पूरी, इसकी फुल कैपेसिटी ऊपर तक 6 लीटर की है। हमने ये पैन एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके बाहर छोटा सा जो ये आपको पैनल दिया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। उन मोड्स में हर चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपने इसमें दाल बनानी है तो ये दाल का मोड है, राजमा या चने बनाने हैं, वेज कड़ी बनानी है, सूप बनाना है, या कोई भी आपने सौते करना है, भुननी है कोई चीज़, तो उसके लिए स्पेशल मोड दिया गया है। उसके बाद राइस पुलाव का, खिचड़ी का, बिरयानी का, चिकन कड़ी का, मटन कड़ी का, और ये प्री हीट का। प्री हीट अगर आपने करना है तो उसके लिए आप ये मोड दबा सकते हैं। उससे पहले ऊपर है मैन्यूअल। अगर आप इन सब चीज़ों से अलावा अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप मैन्युअली का बटन ऑन करके आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये है एक टाइम का वो मोड दिया हुआ है जिसमें आप अपने तरफ से ही टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मोड ये है कि डिले मोड। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको आते ही कोई चीज़ गर्म चाहिए या फ्रेश चाहिए, तो आप डिले टाइम का बटन जो है इसको सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब आप आएंगे तो वो चीज़ उतने ही टाइम में बनकर 2 घंटे के बाद तक गर्म रह सकती है। ये नीचे यहाँ पर है कीप वार्म बटन। अगर आपने कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप इसको इसे यहाँ से पहले कैंसिल कर दीजिए, और फिर दोबारा से इसको ऑन करेंगे तो ये वाला वार्म का बटन दब जाएगा, जिससे कि जो चीज़ है आपकी वो गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं होगी। नीचे ये सारे बटन आपको दिए हैं। इसमें है एक स्लो कुक, स्टीम, योगर्ट, केक, सांबर, बेबी फूड। अगर आपने इन सब में से कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो आप इसको, ये 2 बटन हमें दिए हैं, इसको आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो है 0 से लेकर 7 तक, सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक आपको ये बटन दिए हैं। अगर आप इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, 0 से लेकर 2 तक सॉफ्ट चीज़ें बनेंगी, 3-4 में नॉर्मल चीज़ें बनेंगी, और 5-6-7 में अगर कोई आप हार्ड चीज़ बना रहे हैं तो ये हम लोग इसको 5 या 6 या 7 तक हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये है ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक विसल का बटन है। ये हमारी विसल है, इसे हम निकाल कर, जब हमारी कोई भी चीज़ बन जाएगी तो हम इसे निकाल कर वॉश कर सकते हैं। यहाँ से स्टीम बनेगी, ये सील हो गई यहाँ पे, ये बटन बंद हो गया इसका, ये ओपन नहीं होगी। अगर आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं स्टीम को, तो आप स्टीम को रिलीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इसका बटन इधर करना पड़ेगा ताकि सारी स्टीम निकल आएगी। या इधर कर दीजिए या आप इसको इधर कर दीजिए, दोनों तरफ से स्टीम निकल आएगी। क्योंकि अगर आपको कभी जल्दी हो तो स्टीम निकालनी हो तो आप इस तरह स्टीम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको सब इसके अंदर एक और चीज़ बता रही हूँ। ये जो चीज़ है, लिड है, इसके अंदर ये गास्केट लगी हुई है। आपने जब कोई चीज़ कुक करनी है तो ये गास्केट आपने निकाल कर इसको वॉश करनी है। वॉश करके सुखाने के बाद आपने इसको, एक रबड़ की गास्केट दी हुई है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम इसको यहाँ से उतारेंगे, उतारने के बाद इसको वॉश करने के बाद दोबारा से इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट हो गई। अब हमने इसको इस तरह एडजस्टमेंट की, करने के बाद हम इसको दोबारा से, ये जो ये ओपन का बटन है, ये हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। ये जो यहाँ पर नीचे आपने नोब देख रहे हो, ये नोब हमने यहाँ पर लगानी है। जब ये नोब पूरी तरह लग गई तो हमने इसको लेफ्ट साइड,